मुझे ना स्वीडन जाने का बड़ा शौक है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? आप मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हैं? नहीं, मैं अपने साथ सिर्फ बीवी लेके जा सकता हूँ, आपको भी नहीं लेके जा सकता। नहीं नहीं, मैं, मेरी बीवी बच्चे हैं, हम साथ ही जा सकते हैं, कैसा मसला है? हाँ, तो बीवी को साथ लेके जाए ना आप। उधर ही आपने शादी कर ली? शादियाँ की हैं, शादी तो नहीं की। कितनी? मैंने 3 शादियाँ की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मेरे साथ आज मौजूद हैं, ये मेरे लिए स्पेशली स्वीडन से आए हैं मेरे से मिलने, और मेरे फ़ैन हैं, और ये मेरे सेट पर आए हैं सीधा, तो मैं इनसे ना आप लोगों को भी मैं मिलवाना चाहता हूँ। इनका नाम है कैसर नवीद तारेड। कैसे हैं सर जी? सर ठीक ठाक। आपने सर मुझे बताएं, ये 3 नाम क्यों रखे हैं? ये वालदैन ने रखे थे, सो तब से वही चल रहे हैं। तो ये मुश्किल नहीं होती? आप सोचते होंगे यार कैसर कौन है, सुबह उठते हैं कैसर है, दोपहर को आप नवीद हो जाते हैं, रात को तारेड हो जाते हैं। ये लोगों के लिए आसानी है, जिस नाम से वो पुकारें तो वो अच्छा रहेगा। कोई तारेड कह देता है, कोई कैसर कह देता है, कोई नवीद कह देता है। अच्छा, मुझे बताएं कि लोग यहाँ से भागना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप स्वीडन से यहाँ क्यों आ गए? आजकल आपको पता है कितनी लोड शेडिंग हो रही, कितने मसले मसाइल, टेंशन है? टेंशन तो है, ये हकीकत है। मैं मुझे तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं यहाँ आए हुए पाकिस्तान में, और बिलीव करें जब से मैं आया हूँ लोड शेडिंग इतनी है कि मैं एक दिन भी सो नहीं सका। हर एक घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है, हर एक घंटे बाद। अब मैं जब से आया मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई। चलें, वो बात तो होती रहेगी। मुझे बताएं, आप मेरे फ़ैन हैं, ये तो भी थोड़ा सा बताएं ना कैसे हैं? नाज़रीन, ये शेख कासिम साहब हैं, इनका प्रोग्राम है वो वाला शो, वो मैं बड़े शौक से देखता हूँ और इन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं स्वीडन में भी अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे ना स्वीडन जाने का बड़ा शौक है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? आप मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हैं? नहीं, मैं अपने साथ सिर्फ बीवी लेकर जा सकता हूँ, आपको भी नहीं लेकर जा सकता। नहीं नहीं, मैं, मेरी बीवी बच्चे हैं, हम साथ ही जा सकते हैं, कैसा मसला है? हाँ, तो बीवी को साथ लेकर जाए ना आप। आप मेरी हेल्प करेंगे ना उधर लेकर जाने में? इस तरह तो हेल्प मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये है कि आप अगर एज अ गेस्ट आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप आएँ स्वीडन, आपको स्वीडन दिखाएंगे, ना सिर्फ स्वीडन दिखाएंगे, आपको पूरा यूरोप दिखाएंगे। चलिए, मुझे ना आपको अपने बिहाफ पे होगा। नहीं नहीं, वो ठीक है, मुझे ना टिकट वगैरह दे दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा कुछ। चलिए ठीक है, आपकी टिकट हम करवा देंगे। अच्छा, मैंने सुना आप यहाँ से पीछे से ना मंडी बहाउद्दीन से हैं, तो ये क्या मुझे बताएं, मंडी बहाउद्दीन से स्वीडन कैसे गए एक साथ? पढ़ने के लिए गए थे, आई एम बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वहाँ पढ़ने के लिए गए थे आज से तकरीबन कुछ 10-15 साल पहले, फिर वहीं के होके रह गए। अच्छा, यानी उधर ही आपने शादी कर ली? शादियाँ की हैं, शादी तो नहीं की। कितनी? मैंने 3 शादियाँ की हैं। उधर ही? नहीं, एक इधर की है, 2 उधर की है। ठीक है ठीक है, चले चले, अच्छी बात है। अच्छा। मैं नहीं आपसे पूछूंगा कैसे होता है ये, मगर ठीक है, मेरी एक ही हुई है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, नहीं आपको करनी चाहिए शादी, शादियां करनी चाहिए, ये अच्छी होती हैं सेहत के लिए। नहीं, टॉपिक चेंज, मेरी वाइफ भी देख रही होगी, ऐसे वो मसला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, मेरे हालात स्वीडन के तो ख़राब हो जाएंगे मैं जाऊँगा, मगर मेरे हालात तो ठीक हो जाएंगे? हाँ, स्वीडन की शायद ख़राब हो जाए, लेकिन आपके हालात ठीक हो सकते हैं। वहाँ पे जो मज़दूर की हालत है वो बहुत अच्छी है, अगर एज अ कंपेयर यहाँ, अगर पाकिस्तान में कंपेयर करें, क्योंकि जो मज़दूर है उसकी मिनिमम पाकिस्तान की 3-4 लाख रुपया सैलरी है एक मज़दूर। मैं तो सोच रहा था उधर जाके मैं होस्टिंग करूँगा, मगर आप मेरे मज़दूरी कराएंगे उधर? शुरू में तो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, ऊपर आने के लिए पहली सीढ़ी मजदूरी होती है, तो वो आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, आपसे ना वो उन्होंने इस हुकूमत ने ना वोटिंग के राइट्स छीन लिए हैं, यानी बाहर के जो पाकिस्तानी है वो नहीं वोट डाल सकते, तो आपको दुख नहीं हुआ? दुख तो हर ओवरसीज़ को है, क्योंकि इस तरह हमारा, जब हम पाकिस्तान से वहाँ बाहर जाते हैं, यहाँ की मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पाकिस्तान के लिए अपने वहाँ से पैसे भेजते हैं, हमारा असल में जो कुछ होता है यही होता है, पाकिस्तान में ही होता है, लेकिन ज़्यादती पे ज़्यादती ओवरसीज़ के साथ हो रही है, लेकिन इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जो कुछ सियासी पार्टीज़ जो हैं वो नहीं चाहती, तो वरना इसमें ओवरसीज़ वोटिंग में कोई हर्ज तो नहीं है, ये भी अच्छा है, हमें भी हक़ होना चाहिए कि हम किसको चूज़ करें, हम किसको पसंद करते हैं और हम किसको फॉलो करते हैं। वैसे इस चीज़ का अगर बदला ले
लेना है। तो मैं सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कहना चाहूँगा कि इसका बदला लेने के लिए ना जब इलेक्शन होंगे ना तो सब ने ना पाकिस्तान आ जाना है और फिर वोट डालना है, ठीक है, जिस मर्जी को वोट डालें, मगर यहाँ पे पाकिस्तान आके वोट डाले फिर इन्हें पता लगेगा कि यार इनके इन्होंने राइट्स जो छीने हैं फिर इनका के साथ क्या बनेगा। हाँ ये हो सकता है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हर एक के लिए एकदम से आना, बहरान पैदा हो जाएगा पाकिस्तान में भी बाहर भी, बहुत पैसे का ज़िया होगा। तो लेकिन ये अच्छी बात है। नहीं नहीं तो इतने पैसे आप लोग कमाते हैं तो मुल्क के लिए नहीं आ सकते, मुल्क का वोट डालने के लिए, मुल्क के फ्यूचर के लिए? नहीं आ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है आने का, लेकिन वजह ये है कि आप अगर इलेक्शन हो रहे हैं सारे ओवरसीज एकदम से एक टाइम पे ही सारे आ जाएंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लें मसला बनेगा। चलें एकदम ना आए, एक एक करके आ जाए ना, तो मगर आ जाए देखना, एक जहाज पे तो नहीं आ सकते, ठीक है, फ्लाइट्स के ना टाइमिंग वगैरह जो आ जाए, आपको पता लग गया है कि यार अगले महीने इलेक्शन है, ठीक है, तो एक एक करके आ जाए जहाज। हाँ आ जाएंगे, अगर टिकट पाकिस्तानी गवर्नमेंट दे दे तो डेफिनेटली हम आ जाते हैं। क्यों पागल है वो? उन्होंने वोटिंग राइट छीन लिया तो आपको वो टिकट दे देंगे क्या? आ जाए हमारे खिलाफ वोट डालें? नहीं उनके खिलाफ तो नहीं डालेंगे, डेफिनेटली जो भी करेंगे अपनी पाकिस्तान के फेवर के लिए करेंगे। तो इसका मतलब है वो आपको रिश्वत के तौर पर टिकट दें तो फिर आप उनको वोट डालने आएंगे? नहीं हम रिश्वत के तौर पे कब कह रहे हैं, हम वहाँ गिफ्ट 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 सॉरी सॉरी गिफ्ट, हाँ डेफिनेटली ये गिफ्ट हो सकता है, हमें भी सहूलियात देनी चाहिए ओवरसीज को, हम वहाँ से आएंगे पाकिस्तान की खातिर आएंगे, तो अगर हम पाकिस्तान की खातिर आ सकते हैं तो क्या ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी खातिर कुछ नहीं ऐसा कर सकती? हाँ मुझे भी अगर गिफ्ट दे दें स्वीडन के टिकट, ठीक है, तो मैं वहाँ से फिर आकर ना आपको ही वोट दूंगा। लोगों को ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, सब्र करना भी अब तो मुश्किल हो गया है, यकीन करें पाकिस्तान में आके अब तो हमारी बस हो गई है, इवन के जो ओवरसीज़ हैं उनकी भी बस हो गई है, तो अब इनका पैगाम मैं क्या देना चाहूँगा, हौसला देना चाहूँगा इनको कि थोड़ा सब्र करें, लेकिन अब सब्र मुश्किल हो गया है। अच्छा वो बस जो है ना यहाँ से जाती हूँ मैं आपको बता दूँगा डायरेक्ट ही आपको ना एयरपोर्ट पहुँच जाए। नहीं मैं मंडी बाउद्दीन जाऊँगा पहले, तो उसके बाद वहाँ भी बस जाती है, वो मंडी बाउद्दीन से होके सीधा स्वीडन जाती है? नहीं 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 वो थोड़ा सा ना घूम कर जाती है। अच्छा पहले स्वीडन जाएगी फिर मंडी बाउद्दीन जाएगी? यस ऐसे जाए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने हो शेख कासिम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।